देश दुनिया में कई रहस्यमय मंदिर है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर एक नहीं, 100 नहीं, बल्कि 99,999,999 मूर्तियां हैं। आखिर क्या है इन मूर्तियों का रहस्य? आखिर किस स्थान पर स्थापित है ये मूर्तियां? क्यों है यहाँ 1 करोड़ में एक मूर्ति कम? इस रहस्य से क्यों वैज्ञानिक भी हैरान है? आज हम इस रहस्य को बताएंगे आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले। 99,999,999 मूर्तियां, यानी 1 करोड़ में एक मूर्ति कम, जिनका रहस्य आज भी कोई नहीं सुलझा पाया है। कई बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वे भी आज तक इस पहेली को नहीं सुलझा पाए। त्रिपुरा के जंगलों में बसा ऊना कोटी, जिसे भगवान शिव का तीर्थ स्थल माना जाता है। इस स्थान के बारे में ये मान्यता है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे कि सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से ऊना कोटी स्थान पर रुकने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उनकी बात मानते हुए कहा कि सूर्योदय से पहले ही उन्हें ये स्थान छोड़कर जाना होगा। लेकिन अगले दिन भगवान शिव तो उठ गए, परंतु बाकी के देवी देवता सोते रहे। ये देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्हें पत्थर का बन जाने का श्राप दिया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कालू नाम का एक शिल्पकार था। वह भगवान शिव से उनके साथ कैलाश जाने की इच्छा जताने लगा। तत्पश्चात भगवान शिव ने उस शिल्पकार को एक ही रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनाने के लिए कहा, लेकिन शिल्पकार सूर्योदय से पहले 99,999,999 मूर्तियां ही बना पाया, जिस कारणवश भगवान शिव शिल्पकार को अपने साथ नहीं ले गए। दोस्तों, कहा जाता है कि ऊना कोटी स्थान पर 2 तरह की मूर्तियां है, एक पत्थरों पर उकेरी गई और दूसरी पत्थरों को काट कर मूर्तियां बनाई गई है। इस स्थान पर भगवान शिव की 30 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है, जिसे ऊना कोटेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ऊना कोटी स्थान पर इतनी सारी मूर्तियां कहां से आई है और क्या है इन मूर्तियों का रहस्य? ये बात कहां तक सच है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें।